नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों के साथ। पंजाब मुख्यमंत्री चन्नी ने पुलिस अफसरों को दिया नए साल का नया तोहफा। कहा, पुलिस जवानों को मिलता रहेगा 13 महीने का वेतन। देश भर में नए साल का जश्न, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुआ पंजाब का एक और युवक। 2017 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की हुई मौत और अन्य हुए घायल। महाराष्ट्र में 10 मंत्रियों और 20 विधायक हुए कोरोना पॉजिटिव। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, लगाई जा सकती है सख्त पाबंदियां। लुधियाना के होर्डिंग से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गायब होने पर कैबिनेट मंत्री आशु की टिप्पणी, जब मैं कांग्रेस छोड़ूंगा तो घर बैठूंगा। हरियाणा भिवानी में पहाड़ दरगने से 10 वाहन दबे, 15 से 20 लोगों के दबने की मिली आशंका। किसान आगुर केस टिकैत का बड़ा बयान, पंजाब के 22 किसान संगठनों के साथ चुनाव के लिए किसान नेताओं को एमएसपी कमेटी से किया जाएगा बाहर। यूएसए में विमान में सवार महिला आई कोरोना पॉजिटिव, 3 घंटे के लिए बाथरूम में किया गया आइसोलेट। उत्तर प्रदेश में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग एक्शन मोड में। इत कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ छापेमारी, घर से 4 से 5 करोड़ का मिला कैश। ये थी अब तक की खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा अपडेट के साथ। आप देखते रहिए एसएमजेड न्यूज़ इंडिया।